नमस्कार, मैं प्रवीण। सिटी सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए, खबरों बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बागबेड़ा में अपराधियों ने खेला खूनी खेल, थाना के निजी चालक उतारा मौत के घाट। सरायकेला जिला स्थित एनआईटी कॉलेज को विश्व में मिला 15वां स्थान, एयरक्राफ्ट शो में लहराया परचम। सरायकेला जिले के जयप्रकाश उद्यान से बालू के नीचे मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। और पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका स्थित कस्तूरबा विद्यालय के दो छात्राओं ने तीरंदाजी में जीता गोल्ड मेडल। और अब खबरें विस्तार से, और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना के प्राइवेट पुलिस जीप चालक ऋषाल कुमार पासवान की रामनगर में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उन्हें 6 गोली मारी गई है। मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जहां गोली सिर, पसली और हाथ में लगी है। घटनास्थल से पुलिस ने 6 खोखा और 2 पिलेट बरामद किया है। यह वही जगह है जहां मंगलवार की सुबह मौत का खूनी खेल खेला गया। इसी जगह सुबह जब लोग उठकर दिनचर्या में लीन होने वाले थे कि अचानक गोलियों की आवाज सुनी। एक नहीं बल्कि अनगिनत लगातार कई बार फायरिंग ने लोगों को चौंका दिया। लोग कुछ समझ पाते तब तक देखा कि बाइक से युवक भाग रहे हैं और एक शख्स जमीन पर पड़ा तड़प रहा है। लोग दौड़कर उसकी तरफ भागे, वह जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। उसे बाइक से ही उठाकर कुछ लोग टीएमएच ले गए। टीएमएच में उसे मृत घोषित कर दिया गया। गोली चलने की जो घटना सामने आ रही है, अभी उसको देखते हैं। पूरी बात जो भी है, जांच की जा रही है हर एक बिंदु पर, किस तरह की घटना हुई है और इस पे क्या किस तरह की बात आई है सामने। ये इस पे देखते हैं, ये कभी कभी चलाता था, कभी कभी थाना की भी गाड़ी चलाता था, वो कभी आकर के चलाता था। तो अभी जो भी बात आई है उसको देखते हैं कि किस तरह की बात है, आखिर क्या दुश्मनी थी, क्या रंजिश थी, किस वजह से गोली चलने की घटना हुई। हत्या किसी और की नहीं बल्कि बागबेड़ा थाना के प्राइवेट जीप चालक की हुई थी। उसे ही मौत का खेल खेलने वालों ने मौत के घाट उतारा था। रात में पेट्रोलिंग करने के बाद सुबह पुलिस जीप थाना में खड़ी कर दी। उसके बाद वह बाइक से बेड़ा डीपा स्थित अपने घर लौट रहा था। पहले से अपराधी उसका पीछा कर रहे थे। बागबेड़ा के ही रामनगर शाखा मैदान मोड़ के पास उन्होंने पुटकम को रोका। पुटकम अपनी बाइक खड़ी कर उनसे बात करने लगा। इसी बीच अपराधियों ने पिस्तौल निकाली और पुटकम पर मैगजीन की खुली गोली खाली कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश में जुट गए। हत्या हुई है, इस बिंदु पर जांच कर रहे हैं कि आखिर क्या रंजिश थी और किस वजह से हत्या हुई है, किस वजह से गोली चलाने का कारण क्या है, सभी बिंदुओं पर जांच चलाता था। बाकी क्या है इसके बारे में बहुत जानकारी हमको नहीं है, जो भी है सभी बिंदुओं पर जांच कर। कितने गोली लगा? घटनास्थल से क्या कुछ बरामद हुआ है? अभी जो खोखा है उस पर 4 खोखा बरामद हुआ है और 2 कारतूस भी हो सकता है, वो देख लेते हैं। इस हत्या ने बागबेड़ा इलाके में सनसनी फैला दी है। हाल के दिनों में बागबेड़ा इलाके में लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, छापेमारी कर अवैध कारोबार बंद कराए जा रहे थे। और इस घटना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर कुछ युवकों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता आशुतोष ओझा। आशुतोष, क्या स्थिति और कितने लोगों को पकड़ा गया है? जी प्रवीण, ये जो हत्या हुई है ये बागबेड़ा थाना का एक प्राइवेट जीप चालक था। हालांकि इस हत्याकांड में पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को उसका 100 सौंप दिया है। पुलिस हालांकि इस हत्याकांड को एक चुनौती के रूप में ले रही है, क्योंकि जिसकी हत्या हुई है वह थाना का ही एक प्राइवेट जीप चालक था। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है और हत्याकांड का क्या कारण है, पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। शुक्रिया आशुतोष। और अब आगे बढ़ते हैं सरायकेला जिला की ओर। आदित्यपुर थाना अंतर्गत जयप्रकाश उद्यान में मंगलवार सुबह बालू के नीचे दबे मिले शव के बारे में काफी छानबीन के बाद भी अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपराधियों ने हत्या करने के बाद साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को बालू से ढक दिया है। हालांकि शव की सूचना पुलिस को तब लगी जब कुछ लोग शौच के लिए नदी किनारे जा रहे थे, तभी बालू से ढका हुआ एक शव दिखाई दिया। उसके बाद इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि मृतक व्यक्ति के सिर पर गहरा निशान पाया गया, साथ ही शव भी अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया गया। इधर मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। अभी तो पता चला कि यहाँ एक बालू में डेड बॉडी दबा हुआ है, उसी को सुनकर हम लोग यहाँ आए, देख रहे हैं कि एक पुरुष का डेड बॉडी अर्धनग्न अवस्था में यहाँ पर बालू में गड़ा हुआ है।
उसका कपड़ा भी छुपाया, उसका कपड़ा भी थोड़ी दूर पर ऐसे बालू के अंदर छुपाया हुआ है। अचानक अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है, लोग स्क्वाड वगैरह और वगैरह बुलवा के हम लोग देख लेते हैं। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी कॉलेज की टीम अमेरिका में आयोजित हुए एयरक्राफ्ट शो में शामिल होकर आई है, जहां एनआईटी की टीम को विश्व में 15वां और देश भर में 3रा स्थान मिला है। अमेरिका के टेक्सास में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरक्राफ्ट प्रतियोगिता एरो डिजाइन शो में आदित्यपुर स्थित एनआईटी कॉलेज की टीम ने हिस्सा लिया, जहाँ एनआईटी की टीम को विश्व में 15वां और देश भर में 3रा स्थान मिला है। इस टीम में 40 छात्र शामिल थे, जिनके द्वारा बेहतरीन एयरक्राफ्ट के निर्माण को लेकर एक मॉडल तैयार किया गया था, जो आधुनिक तकनीक पर आधारित है। 10 से 12 मार्च तक अमेरिका के टेक्सास में आयोजित हुए इस प्रतियोगिता में विश्व भर की 70 टीमों और देश भर की 10 टीमों ने हिस्सा लिया था। एनआईटी की टीम द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट का कुल वजन 4 किलोग्राम है, जो कि 8 किलोग्राम के वजन को लेकर उड़ सकता है। वहीं इस तकनीक का प्रयोग नए एयरलाइंस और एयरक्राफ्ट में किया जा सकता है। हमारे एनआईटी जमशेदपुर की टीम ऐसे ही एक इनका टेक्सास में एक हुआ था कंपटीशन, जिसमें एरो मॉडलिंग के लिए गया हुआ था एयरक्राफ्ट बना करके। ग्लोबली 15th पोजीशन आया और अपने इंडिया में जो है 3rd पोजीशन आया। डिजाइन के लिए इसका रिकॉग्नाइज किया गया इनका मॉडल। हर साल ग्लोबल लेवल पे एक कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि नॉर्मल बड़े एयरक्राफ्ट को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करके और एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में अनुसंधान को लाया जाए। तो उसके उद्देश्य से हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, जिसमें इस बार का हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि एयरक्राफ्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर, मतलब पैसेंजर के फॉर्म में हमें टेनिस बॉल को एकोमोडेट करना था और साथ में उसके अंदर वेट को डालना था। इन दोनों को ही कंसिडर करके हमने एक ऐसा एयरक्राफ्ट ऑप्टिमाइज किया जो 1000 वाट के पावर के साथ ही 22 पैसेंजरों को, 22 टेनिस बॉल को कैरीज कर सकता है और 8 किलो तक के वजन को उठा सकता है। राज्य स्तरीय कस्तूरबा संगम में पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखंड के कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के 2 छात्राओं ने तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया है। इस प्रतियोगिता में 6 से 8 वर्ग जूनियर में मालावती हेम्ब्रम और 9 से 12 वर्ग सीनियर में सिंगो हेम्ब्रम ने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया। इधर स्कूल पहुंचने पर सभी छात्राओं व शिक्षकों के साथ साथ पोटका के तमाम पदाधिकारी प्रफुल्लित नजर आए। सभी ने इनकी जीत की खुशियां मिलकर बांटी। इन छात्राओं को जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशिक्षु आईएएस अनन्या मित्तल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा की कमी नहीं है। हम लोग अर्चरी गए थे रांची खेलने के लिए, फिर वहाँ पे हम लोग दोनों को गोल्ड मेडल मिला। कितना खुश है आप लोग? हम दोनों बहुत खुश है। हम लोग बहुत लेट में पहुंचे थे, फिर भी हम दोनों का उम्मीद था कि हम दोनों जीतेंगे बोल के, तो हम दोनों अभी जीत करके दिखाए। आज कस्तूरबा गांधी में जो बच्चे राज्य स्तरीय कस्तूरबा संगम में गोल्ड जीत के आए, उनको सम्मानित करने का प्रोग्राम था। जूनियर लेवल तथा सीनियर लेवल दोनों पर ही कस्तूरबा गांधी विद्यालय पोटका के बच्चे गोल्ड जीत कर आए। प्रतिभा तो जरूर है, उसको तराशने की भी जरूरत है। आजकल ग्रामीण क्षेत्र से बहुत बच्चे ऑलरेडी ऊपर उठ के आ रहे हैं, तथा ऐसे अगर हमें टैलेंट दिखता रहता है तो हम भी उसकी प्रोत्साहन जरूर करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो आगे आए और दिखे। और जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित नरवेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल के द्वारा बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं किए जाने के विरोध में अभिभावक संघ के सदस्य स्कूल परिसर में ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। निजी स्कूलों की मनमानी से सरकार की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जमशेदपुर के नरवेराम हंसराज इंग्लिश स्कूल के द्वारा बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं किए जाने से नाराज होकर अभिभावक संघ ने आंदोलन का रूप अख्तियार कर लिया है। अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार अपने साथियों के साथ स्कूल परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। डॉक्टर उमेश कुमार ने कहा, सरकार के आदेश के बाद भी स्कूल प्रबंधन इनका नामांकन नहीं कर रहा है, जिससे विवश होकर आंदोलन करना पड़ रहा है। वहीं जब हमारी टीम ने स्कूल के प्राचार्य से इस संबंध में बात करनी चाहिए, तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। पहले 18 बच्चे का एलकेजी क्लास में आरक्षित सीट पर नामांकन हेतु जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा फॉर्म फिलअप किया गया था और डीएससी कार्यालय से स्कूल को नामांकन लेने हेतु पूरा एप्लीकेशन भेज दिया गया। पिछले 1.5 महीने से पेरेंट्स डेली आके चक्कर लगा रहे हैं, एन प्रकरण कारण बता के स्कूल मैनेजमेंट डेली पेरेंट्स को परेशान कर रहा है। आज मैं तो नहीं, हम इस पर जो है हमारे एसोसिएशन जो कहेगा, तो हमने ये पूछा कि पिछले 2 महीना पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली
कि सभी स्कूलों का आदेश हुआ कि अपने मन मुताबिक फी हाइक नहीं करेंगे जो सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। क्या आप माने उस चीज़ को? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे देश के लिए लागू होता है और आप कहते हैं कि हमारा स्टे आ गया है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। आपके पास 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट सभी सुविधाओं से युक्त, CNT एक्ट से मुक्त, किफायती दामों पर, 24 आवर्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, अराउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, लिफ्ट की सुविधा, कार पार्किंग, इजी फाइनेंस की सुविधा और मेन रोड के नजदीक, तो आज ही बुक करें अपने सपनों का घर एमिरेट्स अपार्टमेंट में। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट, या कॉल करें 9931117807 या 9771487336 पर। आप अपनी बालकनी से अद्भुत एवं मनमोहक नज़ारे देख सकते हैं। घर का डिजाइन वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मित्तल क्राफ्ट कंस्ट्रक्शंस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स फॉर रियल एस्टेट। साइट एड्रेस हाजी साहेब पेट्रोल पंप के नजदीक, रोड नंबर 14, मानगो जवाहर नगर। आर ऑफिस एड्रेस मित्तल निवास, गोविंद नगर, ऑपोजिट 12 KD फ्लैट, कदमा, जमशेदपुर 831005। मोबाइल नंबर 9931117807 एंड 9771487336। लैंडलाइन नंबर 0657230023। तंत्र मंत्र के सम्राट बाबा मिर्जा जी भारती, 10 घंटों में लाभ गारंटी के साथ। मेरा गारमेंट्स का बिजनेस था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे धंधे में दिन बे दिन घाटा हो रहा था। दुकान का भाड़ा, बैंक लोन, ये सारी परेशानियां दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी। तभी एक दिन अचानक मिर्जा जी भारती का विज्ञापन देखा। सोचा एक बार मिलने में क्या हर्ज है, इनसे मिलने के बाद मानो जैसे मेरी तकदीर ही बदल गई। आज मेरी अपनी खुद की 4 दुकानें हैं। हार्ट अटैक की वजह से उनका देहांत हो गया। इनके इंश्योरेंस कंपनी के पैसे भी नहीं मिले। घर में पैसों की बहुत तंगी होने लगी। तभी मुझे मेरी सहेली ने मिर्जा जी भारती इनका नंबर दिया और कुछ ही घंटों के बाद इंश्योरेंस कंपनी का आदमी चेक लेके आ गया। मेरे बेटे की अच्छी नौकरी लग गई और मेरी बेटी को बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगे। मैं जिससे प्यार करती थी उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। तभी मेरे दोस्त ने मिर्जा जी भारती इनसे जाके मिलने को कहा। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। खुला चैलेंज, मेरे काम को जो काट दे उसे नगद इनाम, नौकरी, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, संतान प्राप्ति, विदेश यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा न लगना, मूट करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट, एक बार अवश्य मिले, चाहे जैसा भी काम हो जाएगा। आप भी अवश्य मिले मिर्जा जी भारती, क्योंकि दुआ भी तकदीर बदल सकती है। एस्पायर क्लासेस। Aspire Classes is a distinguished institution in the field of educational arena of Jamshedpur, which facilitates education platform for the students of CBSE, ICSE, JAC and NIOS. An institution where experienced faculties coach the students in the spiritual environment. This institute is the institution of the students, by the students and for the students. Parents are also the partners of the institution who help us in achieving the goal by being conscious at home. Our objective is to produce best students in the academic as well as cultural and spiritual field. The institute also imparts coaching for the competitive exams like railways, SSC, banking and other government and private sectors. The institute conducts special classes for NTTF, apprentices, polytechnic, ITI and diploma past candidates. Aspire Classes, holding number 1, Chandi Nagar, near MGM Hospital, Sakchi, Jamshedpur. Phone 2231212. B
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात पूर्वी सिंहभूम जिला की। एक बुजुर्ग महिला अपने आश्रय की तलाश में दर दर भटक रही है। परिवार वालों ने उसे ठुकरा दिया है, लेकिन कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, तो उसके लिए भोजपुरी नव चेतना मंच मददगार बनकर सामने आई है। उसे वृद्ध आश्रम में पनाह मिली है। जिसने अपनी जिंदगी अपनों की उन्नति के लिए गुजार दी, आज उसे ही सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। जी हाँ, वह दर दर भटकते हुए मांडो के दिन्ना रोड पहुंची, दो दिनों तक सड़क पर रही। भला हो भोजपुरी नव चेतना मंच का, जिसकी नजर उस बुजुर्ग पर जा पड़ी। पहले ये लोग उसे MGM अस्पताल ले गए, उसके बाद आश्रम में आसरा दिलाया। मददगारों की कोशिश से उस बुजुर्ग महिला को पनाह मिला, लेकिन वह पनाह उसे अपनों के घर नहीं बल्कि उस आश्रम में मिला, जहां उपेक्षा के शिकार दूसरे बुजुर्ग अपना वक्त काट रहे हैं। हम लोगों को सूचना मिला कि एक वृद्ध महिला जो है, उनको कोई उनके परिवार के लोग जो है अनजान आदमी जो रोड पर छोड़ दिया है। हम लोगों को सूचना मिला, हम लोग सारे यहाँ के बस्ती वाले थे मिल करके इन कोल्ड डोजम में ले जा रहे रखने के लिए। अभी इनका MGM में ले जाके चेकअप कराएंगे। चेकअप के बाद इनको कोल्ड डोजम में इनका फॉर्म भर दिए हैं। पहले महिला कुंवर बस्ती में रहती थी, इनके दो बेटे हैं, अभी बेटों का अता पता नहीं चल रहा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनका अता पता करने के लिए। अगर पता लग जाता उनको बेटों को बुला करके समझाया जाएगा, किसी के भी इस तरह के परिवार के साथ अपने गार्जियन के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। अरे हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आने वाला पीढ़ी जो है अपने अभिभावकों का अपने गार्जियन का जो है सम्मान नहीं करता है। लगातार बदलते मौसम के मिजाज ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिस कारण लोग वायरल बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जमशेदपुर के मौसम का मिजाज कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। जहां एक तरफ दिन में लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रात होते ही ठंड अपना असर दिखाती है, जिस कारण कई लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट क्लिनिक, सभी में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इस संबंध में MGM अस्पताल के डॉक्टर KK चौधरी ने बताया कि बदलते मौसम का असर सबसे अधिक छोटे बच्चों पर पड़ता है। बच्चों को कई प्रकार की बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती है, जिसका इलाज समय रहते करा लेना चाहिए। उन्होंने इससे निपटने के लिए कई सुझाव भी दिए हैं। अगर लोग इन सुझाव पर अमल करें तो वह बीमारी से बच तो ये जो गर्मी और ठंडे का जो मौसम बदलता है, इस समय में बीमारियों का होना बहुत आम बात हो जाती है, विशेषकर बच्चों में तो बहुत ज़्यादा। क्योंकि एक बात तो ये होती है, जैसे हम लोग दिन के टाइम में निकले तो दिन में गर्मी है, हम लोग ये अंदाज नहीं कर पाए कि शाम तक में क्या मौसम रहेगा और शाम तक ठंड आ गई तो हम लोग कुछ बचाव करके निकले नहीं, तो एकाएक जो उस तरह की बात हो जाती है तो उसमें सर्दी लग जाती है या गले में खसखसाहट, आँख में जलन, ये सब हो जाती है। सर्दी के बाद वही आगे बढ़ गया तो खांसी बुखार, जो वायरल फीवर है, वो सब होने का यही मौसम होता है। इसके बाद कभी कभी दिक्कत होती है कि किसी समय जैसे कुछ बारिश कर के दो चार बूंदे पड़ गए तो उससे भी मौसम में एकाएक ठंडक आ गई तो उससे भी सर्दी का जो है प्रकोप हो जाता है। और टाटा नगर स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिले एक जवान को MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उसे किसी ने नशीले पदार्थ का डोज दिया है या उसने खुद पी रखी है। रेल पुलिस जब इस शख्स को एम्बुलेंस से उतारकर अस्पताल लेकर आई तो लगा कि उसे नशा खुरानी गिरोह ने अपना शिकार बनाया है, लेकिन फिर जो नजारा दिखा वो आपके सामने है। जैन साहब जी, मेरे मेरे को नहीं आता। क्या नाम है? जैन साहब जी, मेरे मेरे को नहीं आता। क्या नाम है? है लेकिन मैं कश्मीर सेक्रेटरी में उठी गई। कश्मीर से आ रहे हैं? स्टेशन पर से लाया हूँ सर। अच्छा, उसको जी अच्छा, उसका जांच पड़ताल हो रहा है, हॉस्पिटल लाए हैं। अच्छा, कौन है? कौन है? इसका नाम तो नहीं जानते हैं। दारू पी लिया है, नशा में है। मिलिट्री में ने कोई जी? क्या वर्दी में क्या चीज़ का पहना हुआ? वर्दी तो है, मिलिट्री में का पहना। अच्छा, तो आप लोग क्या कर रहे हैं इस मामले में? कहाँ? वहाँ पर और अब गाड़ी चलाने के लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया वीडियोग्राफी में होगी। बिना वीडियो के अगर लाइसेंस किसी का बनता है तो वह मान्य नहीं होगा। इसकी जानकारी जमशेदपुर MVI अवधेश कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के दौरान जांच हर सप्ताह होती है।
लेकिन शुरुआती जांच में आधे से ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं। एमवीआई अवधेश कुमार ने बताया कि अब लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को परीक्षा से गुजरना होगा। लोग अभी यहाँ पर टू व्हीलर और फोर व्हीलर का ड्राइविंग टेस्ट ले रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग की देख रेख में हो रहा है अभी आज के डेट में, और 25x31 का एक हम लोग घेरा बनाते हैं और घेरा के अंदर में मोटरसाइकिल हुआ तो मोटरसाइकिल का अंग्रेजी का 8 बनाते हुए निकल जाना है, पैर नहीं रखना है। इसी तरह कार का या लाइट जो भी व्हीकिल है उसको बैग से अंदर लाना है। कार का आदेश से ही हो रहा है कि अभी जो भी लाइसेंस बन रहा है सबका वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ हो रहा है। नीचे मैं देखो कितने गाड़ी का लगभग आज आप यहाँ पर टेस्ट, 70-75 कैंडिडेट का टेस्ट हो चुका है और भी करना है। चाईबासा के जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 5,000 रुपए बरामद किया गया है, यह रकम घूस में मांगी गई थी। गिरफ्तार कंप्यूटर ऑपरेटर अनुज कुमार को चाईबासा से जमशेदपुर लाया गया। एसीबी के सुनारी स्थित मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया गया कि संत अगस्तीन हाई स्कूल के शिक्षक संजय डुंगडुंग से कंप्यूटर ऑपरेटर ने घूस मांगे थे। इसकी शिकायत के बाद दबिश दी गई और अनुज कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में ये छापामारी की गई और छापामारी में एक अनुज कुमार हैं जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वहीं वो काम करते हैं। उनके द्वारा जो है कि रिश्वत मांगी गई थी, 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी जिसमें से कि 5,000 जो है देने के क्रम में उनको गिरफ्तार किया गया है। ये उनका बकाया वेतन था और वेतन का वो बकाया वेतन का डिमांड कर रहे थे और इसी कारणवश जो है कंप्यूटर ऑपरेटर उसे वेतन जो है कि निकालने के क्रम में जो है कि उसके एवज में मांगा गया था करीब 3-4 लाख रुपये का उनसे डिमांड है, मतलब जो है कि वेतन का मकाया था उसका। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा, लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, वशीकरण, मुठकरणी और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट। तो आइए जानते हैं कुछ लोगों के अनुभव। तमाम कोशिशों के बावजूद मैं अपना बिजनेस सेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन आज मेरा बिजनेस आसमान छू रहा है। जिस लड़के से मैं प्यार करती थी सब लोग उसके खिलाफ थे, मगर दोनों परिवारों ने हमारे प्यार को खुशी खुशी मंजूर कर दिया। शादी के 5 साल बाद भी हम दोनों पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था और आज हम दोनों पति पत्नी बहुत खुश हैं। अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही। आज मैं दुबई में जॉब करता हूँ और अच्छा कमाता हूँ। तो देखा आपने, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो तुरंत मिले और लाभ उठाएं। IJL Public School. IJL Public School, a co-education English medium school based on CBSE pattern. नर्सरी से स्टैंडर्ड 10 की तालीम दी जाती है। IJL पब्लिक स्कूल, एजुकेशन इन अ गुड एनवायरनमेंट। स्कूल जहां पढ़ाई के साथ सही मार्गदर्शन भी दिया जाता है। IJL पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल जहां क्लासरूम, लैब, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की भी अच्छी सुविधा है। IJL पब्लिक स्कूल जहां खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है, नर्सरी के बच्चों को सही मार्गदर्शन दिया जाता है। Your kids learn in playway method. खास तौर पर इंग्लिश के साथ उर्दू भाषा की तालीम भी दी जाती है। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी और खेल का आयोजन भी किया जाता है। एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 9। अधिक जानकारी के लिए ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता IJL पब्लिक स्कूल, रोड नंबर 2, जाकिर नगर, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो। फोन 8877 3844-91।
हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास, राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोशकार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586 और 0997-377-0707, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बात पूर्वी सिंहभूम जिला की, जमशेदपुर के जुगसलाई थाना परिसर में रामनवमी के अवसर पर सभी अखाड़ा के लाइसेंसियों व पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई, जहां थाना प्रभारी समेत जुगसलाई नगरपालिका के विशेष पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जुगसलाई थाना अंतर्गत आने वाले तमाम अखाड़ा के लाइसेंसियों व अखाड़ा पदाधिकारियों ने रामनवमी जुलूस से संबंधित बातों व परेशानियों को पदाधिकारियों के समक्ष रखा। वहीं थाना प्रभारी लक्ष्मण प्रसाद ने भी सभी अखाड़ा के पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए व उनसे उनका राय जाना। आज की विशेष सभा उपायुक्त महोदय और वन मंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा जिला के हर थाने में 2-2 थाने को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में, आज मेरा 21 का था, कल साक्षी वगैरह का था, आज मेरा है, फिर कल परसोडी का होगा। इस तरह सभी थानों में 2-2 थाना के अखाड़ा वासियों, जो अखाड़ा के सचिव हैं, संचालक और प्लस उसके लाइसेंसधारी हैं, उनके साथ हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग में ये दिशा निर्देश मिला है कि जो उनके यहाँ से हम लोग को मिला है कि आपको ये चीज़ करना है, आपको ये चीज़ नहीं करना है, उसके बारे में इन लोगों को बताना, प्लस इनके द्वारा इनको क्या कठिनाइयाँ हैं उसको हमको सुनना। और जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तुलसी भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष गुरुदेव सिंह राजा मौजूद थे। कार्यक्रम में गुरुदेव सिंह राजा और जमशेदपुर चैम्बर के सचिव हरविंदर सिंह मंटू को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने समाज की एकजुटता पर बल दिया और जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यों की सराहना की। भारतीय जनता पार्टी ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स कई सामाजिक काम भी करती है। मैं पिछले दिनों चैम्बर ऑफ कॉमर्स विष्णुपुर में रविंद्र भवन में कवि सम्मेलन में भी गया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो कि बहुत ही धार्मिक काम है, मुझे मंटू जी ने बताया कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जितने भी शहर में लवारिस लाशें हैं उनका दाह संस्कार करने का काम करता है। उदारवाद संकट में, इस विषय पर 23 मार्च को डॉक्टर प्रताप महन मेहता जमशेदपुर में लोगों के बीच अपने विचार व्यक्त करेंगे। आपको बता दें कि प्रोफेसर मेहता ने प्रजातंत्र विषय पर कई किताबें लिखी हैं। सामाजिक संस्था PUCL द्वारा जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए PUCL के संयोजक जगदीश मिश्रा ने बताया कि इस तरह के आयोजनों की वर्तमान समय में जरूरत है। आज के समय आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की बातें सुनी नहीं जाती है। स्थिति यह है कि विचार की स्वतंत्रता पर संकट मंडराने लगे हैं।
ऐसा लगता है हम लोगों को कि उदारवाद खतरे में है। और उदारवाद का अर्थ जो है, हम अभी बताए कि वह प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है, इसमें जो है सहिष्णुता होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता और उसके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। डॉक्टर प्रताप भान मेहता जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं और राजनीति विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, वो जो है 23 तारीख को हम लोग आमंत्रित किए हैं, माइकल जॉन ऑडिटोरियम में इनका व्याख्यान होगा। विषय है लिबरलिज्म इन क्राइसिस, उदारवाद संकट में। जमशेदपुर में स्थित श्रीमन क्लासेस ने एक संवाददाता सम्मेलन कर दावा किया है कि इस बार विभिन्न परीक्षाओं में उनके छात्रों ने बेहतर परिणाम हासिल किए हैं, खासकर बैंकिंग की परीक्षा में छात्रों का परिणाम बेहतर रहा है। जो कि विद्यार्थी हैं जो श्रीमन क्लासेस में अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं, वैसे विद्यार्थी जो है सफलता का परचम लहराए हैं, विशेष करके ग्रामीण बैंक पीओ में और क्लर्क में। साथ ही साथ जो जेपीएससी के द्वारा जो आरक्षी और कक्षपाल की नियुक्ति हुई थी उसमें भी सफलता हासिल किया है इन विद्यार्थियों ने। इस तरह से कुल टोटल 18 विद्यार्थियों का चयन श्रीमन क्लासेस में हुआ है। इनकी सफलता का पूरा श्रेय इनके कठिन परिश्रम, लगन और नियमितता और शिक्षकों का मार्गदर्शन और विशेषकर शिक्षकों के द्वारा जो अध्ययन सामग्री जो समय समय पर जो तैयार की जाती है, जो विशेष करके बहुत ही अपडेट होता है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। जमशेदपुर के बागबेड़ा में अपराधियों ने खेला खूनी खेल, थाना के निजी चालक को उतारा मौत के घाट। सरायकेला जिला स्थित एनआईटी कॉलेज को विश्व में मिला 15वां स्थान, एयरक्राफ्ट शो में लहराया परचम। सरायकेला जिले के जयप्रकाश उद्यान से बालू के नीचे मिला शव, क्षेत्र में फैली सनसनी। और पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका स्थित कस्तूरबा विद्यालय के दो छात्राओं ने तीरंदाजी में जीता गोल्ड मेडल। इस बुलेटिन में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत, नमस्कार।